शुभ समाचार में अब बात कानपुर के एक तैराक की, जिसकी उम्र तो महज 12 साल है, लेकिन वो अगले ओलंपिक में देश का नाम रोशन करना चाहती है। पदक जीतने की तैयारी भी शुरू कर दी है। वो कानपुर से वाराणसी तक गंगा की लहरों पर तैरना चाहती है। कानपुर से जीवीजा संवाददाता मोहम्मद उजैर की रिपोर्ट देखिए। रियो ओलंपिक गेम्स में भारत की दो बेटियों ने देश का नाम रोशन कर दिया। कानपुर की रहने वाली 12 साल की श्रद्धा भी खेल की दुनिया में कुछ कर दिखाना चाहती हैं। वो ओलंपिक स्टार पीवी सिंधु और साक्षी मलिक से तो नहीं मिली, लेकिन वो सिंधु और साक्षी जैसा बनना चाहती हैं। श्रद्धा गंगा की लहरों पर रोज घंटों तैराकी करती हैं। सपना 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में सिर्फ हिस्सा लेने का नहीं, बल्कि पदक भी अपने नाम करने का है। तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। ये रैली 570 किलोमीटर की मेरा उद्देश्य है कि कानपुर में हमें गोल्ड मेडल लाना है, और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि वो हमें ओलंपिक में मेरा नाम दर्ज कराएं। श्रद्धा के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कानपुर से वाराणसी तक का सफर तय करना चाहती हैं, लेकिन बस या ट्रेन से नहीं, बल्कि गंगा की लहरों पर तैरते हुए 570 किलोमीटर का यह सफर, वो भी ऐसे वक्त में जब गंगा उफान पर है। लेकिन श्रद्धा को इसकी जरा भी परवाह नहीं। पानी का जल स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा। तो आप इतना मतलब इतनी दूर की दूरी आप कैसे तय करेंगी? तैर के। हम मैराथन में 570 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनवाकर ये दिखाना चाहते हैं कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा ये एक रिकॉर्ड होगा, जो हमारी बच्ची के मुकाबले कोई भी तैराक नहीं 570 किलोमीटर तैरने वाला, और फिर अपनी ओलंपिक की तैयारी करेगी। वैसे यहाँ ये जानना जरूरी है कि कानपुर में जलपरी के नाम से मशहूर हो चुकी श्रद्धा लंबी दूरी की तैराकी का कारनामा पहले भी कर चुकी है। श्रद्धा ने कानपुर से इलाहाबाद तक तैरकर यात्रा पूरी की थी, जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी। इस बार वो कानपुर से वाराणसी तक तैरते हुए जाना चाहती हैं। गंगा की लहरों पर श्रद्धा के सफर में उनके साथ एक बोट भी जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें हर संभव मदद मिल सके। 2.5 साल की उम्र में इसने लिम्का में अपना नाम दाखिल कर दिया। हम लोगों के हौसले बुलंद हो गए, जिससे हमने कहा हमारी बच्ची कुछ कर सकती है। वहीं से हमको एक सपना ये देखने लगे कि हमारे हिंदुस्तान में जो गोल्ड मेडल नहीं आए स्विमिंग में, तो हमारी बच्ची ला सकती है। कानपुर के मस्कर घाट में गंगा की लहरों पर श्रद्धा का सफर शुरू होगा। श्रद्धा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो उनके नाम एक और रिकॉर्ड शामिल हो जाएगा। ये कोशिश श्रद्धा के लिए एक चुनौती तो है, लेकिन कामयाबी उनके सपनों को और हौसला देगी। मोहम्मद उजैर, जी मीडिया कानपुर।